यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। रूस में भारतीय दूतावास का कर्मचारी का आरोप है इस पर। यूपी एटीएस की पूछताछ में जासूसी की बात को भी कबूला है। आईएसआई को खुफिया जानकारी देने का आरोप है। 2021 में मॉस्को में तैनात था यह शख्स और कहा यह जा रहा है कि यूपी एटीएस ने इसको आईएसआई के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। और देखिए, एटीएस मेरठ यूनिट ने सतेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी से दो मोबाइल, आधार, पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। हापुड़ का रहने वाला है आरोपी सतेंद्र सिवाल और रक्षा विदेश मंत्रालय की सूचना देने का आरोप है इस पर। 2021 में मॉस्को में भारतीय दूतावास में तैनात था और आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। और देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी पंकज झा भी जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, लगातार मॉस्को में तैनात रहते हुए भारत की जानकारी साझा कर रहा था, क्या कुछ और एटीएस को पूछताछ में पता लगा है? देखिए, बड़ा सनसनीखेज मामला है और इसमें आपको बताऊं कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने यूपी एटीएस से ये पूरी जानकारी शेयर की कि ऐसा मामला है। ये अपने घर हापुड़ में आया था और हापुड़ में ही जब ये था उसके बाद यूपी एटीएस ने उसे वहां से उठाया। उसके बाद उससे लंबी पूछताछ हुई, बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब तलाशे गए और वो जवाब ठीक से दे नहीं पाया कि आखिर किस तरीके से ये जो सत्येंद्र सिवाल है, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के तौर पर विदेश विभाग में काम करता है और मॉस्को दूतावास रूस में ये काम कर रहा था, वहां से जब गांव लौटा उसमें सवालों की लिस्ट थी। जो मुझे बताया गया उसमें 48 सवालों की लिस्ट थी, वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर आरोप है कि बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मॉस्को में जो रूसी दूतावास है उससे लेकर विदेश विभाग और रक्षा विभाग के उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को मुहैया कराता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका। पंकज हमें बता रहे थे कि कई 48 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे और कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान की एजेंसीज को लगातार भारतीय दूतावास से अहम जानकारियां साझा भी कर रहा था।